तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं यार, दिन भर मेहनत करके पैसे कमाओ और उसे दान पेटी में डाल दो। भगवान को ही तो दे रहा है, परेशान क्यों होता है? सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। तकलीफ इस बात की है कि उनके नाम पर ये गुंडे पैसे लूट रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी पैसा डाल, चल आगे बढ़। लेकिन मैंने तो सुना है यहाँ सत्या का राज चलता है। उसने भी मंदिर से ही शुरुआत की थी, अब वो जंगल का शेर बन गया है और ये सब लकड़बग्घे, पूरा शहर परेशान है। 30 रुपए 30 रुपए, बच्चे किधर है, खिलौना इधर है। आ गए खून चूसने। ए, कौन है रे तू? ए, रुक जा, हमारे नए साहब हैं। सलाम साहब। ए सीपी है तो क्या हुआ, इसे पता होना चाहिए कि हम सत्या के आदमी हैं। लगता है इसके शामत आई है। अभी के अभी सत्या को यहाँ हाजिर होना चाहिए। सत्या यहाँ नहीं आएगा सर। पुलिस ने उसे बुलाया तो उसे यहाँ हाजिर होना ही पड़ेगा। वो चाहे कोई भी हो, उसे बुलाओ यहाँ पर। कौन हो बे तुम लोग? सत्या भाई ने भेजा। मैंने यहाँ सत्या को बुलाया था। सत्या नहीं, सत्या भाई। सत्या भाई ने शांत रहने को कहा। अंदर कर दो सबको। मेरे मामले में दखल मत दीजिए सर, उन्हें छोड़ने का सवाल ही नहीं। आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना करने दीजिए। मुझे सर। अरे संभल के, क्या कर रहा? देखो सत्या भाई। ये सत्या तो बड़ा कमजोर निकला, एक अकेले को मारने के लिए इतने लोग। अगर वो एक बाप की औलाद है तो उसे यहां आने को बोल। मेरे दोस्त, आई लव यू। तुझे क्या लग रहा है ये सब तुझे मारने आए हैं? नहीं, ये सब तुझे मरता देख मजे लेने आए हैं। तुझे शहर में आए 3 दिन हुए और तूने अपना जलवा भी दिखा दिया। अब मेरा जलवा नहीं दिखेगा। बॉयज रिलैक्स। चला जाओ, जाए कम ऑन, चला। अरे एक नंबर।
खत्म। आज से पहले कभी किसी ने मौत का सौदागर नहीं देखा। तेरा नसीब अच्छा है, तू जरूर देखेगा। सत्या मैं नहीं हूं, वो देख। डैड, एसीपी। किसने मारा इसे? आतंकवादियों ने मारा। शत्रु, इस लाश को शहर के बीचों बीच फेंकवा लो। सर, मैं कांस्टेबल सुबोध कुमार बोल रहा हूँ सर। सत्या ने एसीपी साहब को मार के उनकी लाश को यहाँ सिटी सेंटर के पास में फेंक दिया सर। सुनो, सत्या ने नहीं, आतंकवादियों ने। तुम अभी नए नए आए हो ना, इसलिए तुम्हें यहाँ का कुछ पता नहीं। अब फोन रखो। क्या भाई, चलना है कि नहीं? वैसे मूड तो था जाने का, लेकिन तेरे को देख के मूड उतर गया। जाने का किधर है? जहाँ आप चाहे। नया नवेला है क्या? सही पकड़े हो, रहने के लिए मकान भी दिला। पूछताछ केंद्र समझा है क्या? मैं बहुत खुददार आदमी है, सिर्फ भिखारी के पास उधारी लेता है, बाकी किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाता है। मेरा इस फोटो आएगा, इंटरनेट पे डाल के देख, खुददार नंबर वन। ये हजम नहीं हुआ क्या? अपने भाड़े के घर में रख के उससे भाड़ा वसूल करता हूँ। हेलो, मेरा वचन सुन के तूने काकू किया होता ना तो तेरे को चलवा देता। वैसे शक्ल से मासूम लग रहा है। हाँ। और मुच्छी की वजह से मेरे से ज्यादा हैंडसम लग रहा है। चल बैठ, राजमहल दिखाता हूँ तेरे को। ये मत पूछना कौन सी वाली है। शांति से बैठ। ये लोग कौन है? अरे ये लोग सत्या के आदमी है, यहाँ का बहुत बड़ा डॉन है, उसी का राज चलता है शहर में। तू चुपचाप बैठ। सो नीरो, वहाँ जो छोकरे लोग बैठ के गोटी वाला गेम खेल रहे हैं ना, वो एरिया के शाने लोग है, नाद में मत लगना। अरे खुल गया रे खाता। ए बाहुबली रुक जा। ए सुनना, हर माले पे लाल साड़ी सूख रही है, रुकने का सिग्नल है। क्या हुआ? हेलो भाइयों, मेरा नाम गणेश है, इस सोसाइटी में नया आया हूँ। हेलो हेलो, सॉरी भाई, मुझे पता नहीं था तुम इतने अच्छे इंसान हो। आओ बैठो ना। नहीं मुझे भाई, जो भी काम है बाद में कर लेना, एक गेम तो खेलो। ए हट रहे। ओके। थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में मिलते हैं दोस्तों। अरे वो शर्ट सिलवा दूँ क्या? भाई लोग सुनो, इससे बाद में निपट ले।
क्या हुआ तेरे को? पता क्या हुआ? मूसा भाई के लड़के लोग ने बहुत मारा। आज तो चाहे चल, अरे क्या है रे इधर पे? क्या बॉडी बिल्डिंग दिखाने का कंपटीशन चल रहा था? धुम्बा बना देते, मेरे खौफनाक चेहरे की दहशत है। दहशत मतलब समझता भी है क्या? मेरे को देख समझ जाएगा। घर कहाँ है? बिल्डिंग में। अरे मैं तेरे को टोपी बाबा का भगत लग रहा हूँ क्या? और उनकी तरह टोपा दे रहा हूँ जो मेरे को इग्नोर मार के चला गया? एक आदमी ने मेरे को ऐसे इग्नोर मारा था, उसका ऐसा असर किया कि पब्लिक उसको इग्नोर मार रही है। ए, दिखाई नहीं देता? तुम जैसे छिछोरों को मैं अच्छे से जानती हूँ। पटाटे बड़े जैसी आंखें हैं तो उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? वैसे इरादा क्या तुम्हारा? तुम लड़कियों को क्या बड़े समझते हो कि पाँव में डालकर खा जाओगे? मुझको पटाना इतना आसान नहीं है, समझे? गॉर्जियस होने का इतना घमंड है तुम्हें? जब मेरी पटर पटर सुनकर तुम्हारी बोलती बंद हो गई? मैंने कोई धक्का का नहीं मारा। तो क्या मैंने मारा? ए शेर ऑटो, जरा बता इसे। क्या बोलो गुलाबू? मेरी पूरी बायोग्राफी टेलीकास्ट कर दे। सुन रे, इसका यहाँ जोर से चलता है। ए, क्या चलता है? रुआब चलता है। आइंदा काली बिल्ली की तरह मेरे रास्ते में मत आना। गर्ल्स फॉलो मी। छोकरा एकदम फायर है। आप तो छोड़। गुलाबो पगली है रे, छूना है तो डायरेक्ट छूना। ऐसे बहाना काय को बना रही है? आज दिल पे हाथ रख के उसने अपना नाम सुन ही लिया होगा। ए, 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 कौन है, किधर है? हाँ आ रहा हूँ। किसने मारा था तुझे? भाई वो देखो वहाँ बैठे। ए सब लोग मुंह ढक लो, वो लोग शक्ल ना देख पाए। रुको, ये वो लोग का एरिया है, बाद में निपटते हैं। चलो ए, वो लोग का हिसाब तो कर लिया, अब जरा इस हीरो की चर्बी उतारते हैं। सॉरी। अरे भाई हमेशा नरम ही रहते, हाथ भी उठाया तो गरम नहीं होते। अरे मजाक क्यों कर रहा है, मारने से तो गरम होंगे ना। ऐसा नहीं हो रहा, ये देख और भी देखेगा। ये कॉलोनी के लड़के इसे क्यों मार रहे हैं? अरे हाँ यार, मैं भी मार कर देखता हूँ। ए, तुझे किसने मारा? वो वहाँ खड़े हैं ना। ये हीरो शर्ट उतार के बॉडी दिखा रहा था। दोबारा हमसे पंगा नहीं लेना, नहीं तो तेरी। छोड़ दो बेटा, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। कौन है तू? दोस्तों इसका निकल यहां से। हट, मैंने उसे तुझ पे तरस खा के नहीं मारा, तेरी माँ पिता और बहन की खातिर मारा। बेमतलब की आवारा गलती करना छोड़ दे, ये मौत मारा जाएगा।
मार खा के इन कूड़ों के साथ सड़ोगे या ले जाके इनका इलाज कराओगे? फैसला तुम्हारा है। हम इलाज कराएंगे भाई। उठाओ कचरा। बेटा अगर तुम नहीं होते तो न जाने आज क्या हो जाता। अरे नालायक, अरे क्या कर रहे हैं? जिस तरह उन्हें सबक सिखाया इसे भी सिखाओ, तभी समझ में आएगा इसे। थैंक्स भैया, यहाँ आपनों ने मदद नहीं की पर आपने अनजान होकर भी कर दी। ए, चलो भैया से माफी मांगो। अरे ठीक है चल चल। कर दो, कौन है बे? तो माफ कर दो, माफ नहीं किया तो बाउंडर आ जाएगा। ठीक है उठ जा। चल पड़ जाएगा। अरे उठ जा यार, पहले बोलो माफ कर दिया। क्या कर रहा है? पौधे सूख जाएंगे, माफ कर दो। चल माफ कर दिया, तुम्हारी कसम ना। चल उठा। उठता हूँ खुद के पैरों पे। भाई लंबी लंबी फेंक रहा था, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास है डोले छोले। अरे उस टोपा बाबा के साथ बैठ के मैं खुद भी टोपा बन गया हूँ, इसीलिए नकली स्कीम देता हूँ। लेकिन तुमने क्या पिटाई की है? एक नंबर रावस पिटाई कर दिया भाई। आज से टोपा बाबा कैंसिल, तुम्हारा चेला बनना है भाई। ज्यादा फेंका क्या? वो सत्या के छोकरे थे क्या? अरे इसका नाम ले लिया। आप सत्या के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो क्या कि उसका नाम कहीं सुना था इसलिए। ये सब सड़क छाप गुंडे हैं, सत्या की तरह शहर पे राज करना चाहते हैं। अगर यही मसला सत्या के साथ हुआ होता तो अब तक इस कॉलोनी में लाशों के ढेर होते। वैसे आपका नाम? मेरा नाम सुबोध कुमार, पास के अच्छा। थाने में ही कांस्टेबल हूँ। ये मेरी वाइफ रेशमा जी। हाल ही में मेरा ट्रांसफर यहाँ हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, उनकी खूब तुड़ाई की, वैसे आप है कौन? मेरा नाम गणेश है, यहाँ मैं नौकरी की तलाश में आया हूँ। मैं शहर में नया हूँ, मेरा यहाँ कोई नहीं। हम सब है ना भैया, और मैं भी तो हूँ। ये गजरे की दुकान, तेरी ये पूछ पूछ इशारेबाजी इधर नहीं चलेगी, चल निकल यहाँ से। ए, चलो चलो गर्दी काम करो, हवा दो, अपन भी चले। हाँ ठीक है चल। अरे मीना ये क्या? मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। आओ अंदर। अरे क्यों तकलीफ उठाई? इसमें तकलीफ की क्या बात है, मैं सबके लिए खाना बना रही थी तो सोचा आपके लिए भी खाना बना दूँ। इतनी छोटी है मगर बातें एकदम बड़ी बड़ी करती है। आ जा। लड़की प्यारी है, दोनों के लिए डब्बा लाई। कोई बात नहीं, मैं सर्व कर लूंगा, खाना भी तो हमें। खाली चावल दिख रहे, पनीर नहीं है क्या? वाह मस्त दाल भात है, कल दोपहर के खाने में पनीर टिक्का और नान लेकर आना। खाना बहुत टेस्टी था, थैंक्स। आप तो थैंक्स कहकर शर्मिंदा कर रहे हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। आज तो इसे अपने हाथों से प्यार करने वाला खिला के रहूंगी। ये मनहूस कहाँ दिख गया? प्रिया इधर भंडारा कराने आई हो? हाँ ढक्कन। हाँ। मैं जानता था उस दिन लपेट लपेट के गाली थी, वो मजाक था। ए भाई, अरे सुन लो भाई, मेरे भाई गुलाबो खाना लाई वो। ए, तेरे लिए नहीं है। तो किसके लिए लाई है? तेरे दोस्त के लिए है। इसने डकार ले ली तो निकल। क्या तुमने खाना खा लिया? हाँ वो लड़की लेके आई थी। क्या कहा? यहाँ किसकी हिम्मत हुई मेरे होते हुए तुम्हें खाना खिलाने की? कौन है वो चुड़ैल जो तुम्हारे लिए खाना लाई? कौन है? हिम्मत है तो सामने आ जा, सुनाई दे रहा है? मैं खाना लाई थी प्रिया। अच्छा तुम हो, सिर्फ तुम खिला सकती हो। अच्छा सुनो ना, कितनी मेहनत से चक्की पीस के तुम्हारे लिए रोटियाँ बनाई हैं। आधी रोटी खा लो, मैं खुश हो जाऊंगी। कहा ना मैंने खा लिया। मेरा मासूम चेहरा देखकर खा लो ना। इस आशिक को खिला दो। मेरे जज्बात तुम ही समझते हो। इस लकीर के फकीर को कभी नहीं खिलाऊंगी। चांस मिस हो गया। तुम पागल हो गई हो क्या? किसी अजनबी के लिए कोई लड़की इस तरह खाना लेकर आती है? माँ अनजान शख्स ही तो हम सफर बनता है, शायद यही मेरा हम सफर हो। देखती हूँ कल मुझसे कैसे बचोगे। क्या बड़बड़ा रही हो? अब तुम्हारा जमाना ढल चुका। क्या करूँ इसका? क्या हुआ? बुड्ढे उधार लेके 3 महीने हो गए, ब्याज के पैसे तक नहीं दिए, चल निकल पैसे निकल। ये इतना खांस क्यों रहा है? उसे कैंसर है भाई। कैंसर है? क्यों भाई, तुझे सच में कैंसर है क्या?
मजाक में भी होता है क्या? मेरा बाप भी कैंसर से मर गया और उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सका। क्यों? उस वक्त मैं जेल में था ना। काई को? एक आदमी ने मेरे से झूठ बोला तो मैंने छुरा भोंक दिया था। हेलो सब छोड़, अभी तेरे को क्या मदद मांगते वो बोल। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे, सिटी स्कैन निकालने के लिए 10,000 रुपए चाहिए लेकिन किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। मेरे पास 100 रुपए की फटी नोट है और बस 2 ही दिन का वक्त है। तू सच्चा आदमी, तूने मुझे सच बोला, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये सब लोग इसकी मदद कर रहे हैं, कहीं हम मरने जा रहे हैं, मेरे भाई को बचा लो कोई। तुम भी अपना जाकर सिटी स्कैन करवा लो भैया। वो किस लिए भाई? पता नहीं तुम्हारा टिकट कब कट जाए। ऐसा मुर्गा अगर रोज एक मिल जाए तो मेरी बिरयानी पक्की है। छुरा दिखा के काम मांगा तो नहीं मिला, मगरमच्छ के आंसू बहाए तो सबके सब पिघल गए। ऐसे ही लूट के दुबई में तेल का कुआं खरीदूंगा। लेकिन टेंशन ये है, आज वाला मुर्गा झूठ बर्दाश्त नहीं करता। ये दवा अंदर, टेंशन छू मनता। रोकड़ा पूरा है भाई। शत्रु भाई आप पे ही भरोसा है, इस बार भी हमारी पार्टी जीतनी चाहिए। मैंने हाथ रख दिया ना। ठीक है भाई, थैंक यू सर। भाई खुशखबरी बोल। उस पुलिस वाले का नाम पता चल चुका है भाई। ठोक डालूंगा उसको। राकेश तुम दोनों जाकर उसे खत्म कर दो, जाओ ये पैसे अंदर रखो। ठीक है भाई। अरे कहाँ जा रहे हैं ये 70 के आदमी आ रहे हैं, चल जल्दी। सुबोध मुझे छोड़ दो। क्या कर रही है? उधर कहाँ जा रही है? अंदर चल जल्दी। रुक जाइए, मत मारिए इन्हें, मत मारिए। छोड़ दीजिए उन्हें, प्लीज। इसने सत्या के खिलाफ जाने की कोशिश की, इसीलिए इसका कत्ल कर दिया गया। इतने लोग थे, किसी एक ने भी मदद नहीं की। ऐसे लोगों के बीच रहने से अच्छा तो मर जाना है। सुनो भाभी, आप भाभी क्या कर रही हैं? मेरी बात सुनो। छोड़ो भैया, छोड़िए। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात तो सुनो। पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद जो जी में आए करना। मैंने तुम्हें सारी हकीकत बता दी, इसके बाद भी अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो मर्जी तुम्हारी। शत्रु को फोन दे। भाई फोन है। डिस्टर्ब मत कर। बोला कुछ अर्जेंट है। अभी आता हूं डार्लिंग। बोल आज तारीख क्या है? मैं क्या कैलेंडर हूं जो तारीख बताऊं? पहले ये बता तू कौन है? जो सवाल किया उसका जवाब दे बे। इतना गुस्सा? मैं डर गया और डर के मारे तो मैं कांप रहा हूं भाई। आज 10 तारीख है भाई साहब। आने वाली पहली तारीख को तो निकल लेगा इस दुनिया से। हे म्यूजिक ऑफ।
ए मोना देख ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि आने वाली 1 तारीख को मैं निकल लूंगा। एक मिनट और बताना, मजा आ रहा है? 15 तारीख को तेरा खौफ से तारुफ कराऊंगा, 20 तारीख तक लोग जान जाएंगे कि सत्या का साम्राज्य खत्म करने वाला कोई आ गया, 25 तारीख तक लोगों के दिमाग में से तेरी दहशत खत्म हो जाएगी, और 1 को होगा तेरा पैका। तू है कौन? मास। ए मोना, किसी मास का फोन था, कभी 15 कह रहा था, कभी 20 कह रहा था, पता नहीं क्या क्या गिनवा रहा था। नशे में होगा। हाँ, सही कह रही हो। ए म्यूजिक चालू करो। क्या कर रहा है यार? भाई बचा, मार डालेंगे। क्यों रे, तो सत्या भाई के आदमी को रोकेगा? ए चलो रे, चलो सब लोग काम करो अपना, चले। हाँ 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 भाई। थोड़ा वक्त का तकाजा था, इसलिए संभाल अपनी गर्लफ्रेंड को। और 2 के बारे में डॉक्टर ने जवाब दे दिया है बाबू जी। इनके मरने से पहले वो मरेगा जिसने इन्हें मारा है। जहां उसका पता लगा जी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या किया मैंने? सब कुछ करने के बाद आप पूछते हो क्या किया? तुम ये किस बारे में बात कर रही हो? मेरी आंखों से नींद चली गई है। एक पैग मार लो, आ जाएगी। फिर भी नहीं आ रही है। तुम्हें क्या लोरी गा के सुलाऊं? अच्छी वाली गाना। हाँ उठो, गाता हूँ। क्या बोल रही हो? मुझे किसी से प्यार हो गया है। आ गई शामत बेचारे की। क्या कहा तूने? अपने प्यार का इजहार किया उसके सामने? बताना चाहती हूँ पर जी घबरा रहा है। तो फिर छोड़ना, मोहब्बत की गली में बहुत आगे आ गई हूँ। एक काम कर, उसका नाम बता दे, मैं बोलता हूँ उसको, मेरी जान तो छूटेगी। आंखें बंद करके बताऊँ? उसका नाम तेरी पलकों में लिखा है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। ठीक है, बक दे। मच्छर चाहे मलेरिया का काटे या मोहम्मद का, दोनों मच्छरों में एक चीज तो कॉमन है कि नींद नहीं आती है। और सच कहूँ तो इसकी वजह सिर्फ तुम हो। अब मेरे इस दिल में तुम धड़क रहे हो। प्रिया, प्रिया, मैं मच्छरों की जमात के साथ पार्लियामेंट में मीटिंग करूंगा कि इस साल के बजट में वो तेरा खून ना चूसे। आजा ब्लड चेक करने दे। तू मनहूस कहीं के? सिटी स्कैन के पैसे तो मैंने दारू में उड़ा दिए, क्या करूं? ये नेगेटिव भी चल जाएगा, उसको क्या मालूम सिटी स्कैन किस चिड़िया का नाम है। इसमें अपनी दवा मिला देता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। ये क्या ग्लूकोस यहीं पे चढ़ा रहे हो? अरे भाई आप, हॉस्पिटल में बेड अफोर्ड नहीं कर सकता, डॉक्टर ने कहा कि ग्लूकोस चढ़ाना है। मैंने कहा मुझे ही दे दो, मैं ही चढ़ा लेता हूँ। लेकिन ग्लूकोस तो नस से चढ़ाया जाता है, तो मुंह से चढ़ा रहा है। भाई तुम तो अपने आप, तुमसे क्या छुपाओ, ये मेरा वाला ग्लूकोस है, इसे ऐसे ही लेना पड़ता है। इस छोटी सी उम्र में तुम क्या क्या काम उठा रहे हो। सिटी स्कैन करवाया? हाँ करवा लिया।
अरे ये तो एकदम खाली है। मुझ में भी कहा कुछ बचा है भाई। डॉक्टर ने क्या कहा? कि मैं कभी भी गायब हो सकता हूँ। तूने क्या कहा? मैंने कहा कि मुझे बस दिवाली तक की मोहलत दे दो। दिवाली तुझे इतनी पसंद है? हाँ जी, सुबह सुबह उठकर नारंगी जूस पीकर चकाचक कपड़े पहनकर तुम जैसे महान इंसान के पाए लागू करना है, फिर 1 किलो मावा बर्फी खाकर 2 रॉकेट जलाना चाहता हूँ। 1 रॉकेट चांद पर जाएगा और दूसरा मंगल ग्रह पर जाएगा। बस इतना सही ख्वाब है मेरा। उस रात को एक ग्रैंड पार्टी मनाकर अगली सुबह आप सबसे रुख्सत ले लूंगा। अरे तू चिंता मत कर, मैं इन सब चीजों का भी इंतजाम करता हूँ। अपना ख्याल रखना। कहीं जाना मत, यही रहना यही। क्या जमाना आ गया है, कितना मासूम गुंडा है। कुछ पता चला किसने मारा उन्हें? नहीं भाई। पापा को भनक हो गई तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, पता करो। ठीक है। हेलो, मास बोल रहा हूँ। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई क्या? लगता है तेरी जान हलक में आ गई। मैंने कहा था ना 15 तारीख को खौफ से तारुफ कराऊंगा, यानी डर से इंट्रोडक्शन। अब तू मेरी बात गौर से सुन, कान खोल के। ए थकेले, ऊपर का टिकट इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, अच्छी खासी फाड़ूंगा तेरी। सुना शहर का बहुत बड़ा तुर्रम है तू। थकेला? इस वक्त मैं इसी शहर में हूं बे। पिछवाड़े में जितनी ताकत है लगा के ढूंढने की कोशिश कर ले, मुझे बिगाड़ ले जो बिगाड़ना है मेरा। तेरी खामोशी बता रही है कि तेरी जिंदगी का चिराग बुझने लगा है। 20 तारीख तक तेरी नकली रियासत खत्म हो जाएगी। क्यों, तेरे गुर्गों को कुत्ते की मौत मार के सड़क पर किसने फेंका यही सोच रहा है ना? वो भी हम ही थे। 1 तारीख को तेरी मौत का पैगाम लेकर तेरा बाप तेरे सामने आएगा। नाम याद रखना, मांस। बचा सकता है तो बचा ले खुद को। हाय डैड। क्या हो गया? मैंने कुछ सुना, वो गैस का बाटला फटने की आवाज थी। ठीक है भाई, अपुन को तो लगता ही अपने कोई पुराने दुश्मन का काम है। अब तक अपने 6 छोकरे मारेंगे, घर के बाहर बम भी पटाए। भाई कमिश्नर या मिनिस्टर से बात कर लो। सुन बे भाई, वो सब हमारे पास आते हैं प्रोटेक्शन के लिए। अगर हम उनके पास प्रोटेक्शन के लिए गए तो हमारी पावर का क्या होगा? भाई आपके डैड को बता दो। ये छोटे मोटे मामले मुझे ही निपटाने होंगे, अब जो कहता हूं वो कर। पता लगा ये मास है कौन। ए, अभी यहां से किसने फोन किया था? पता नहीं भाई, बहुत से लोग आते रहते हैं। बोल बाबू। पब्लिक बूथ से कॉल आया था भाई। घर वाले कह रहे हैं कि अपाहिज के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। एक अमीर घर का रिश्ता है, उससे शादी कर लो। वो लोग समझना ही नहीं चाहते, इसलिए मैंने फैसला किया कि हम दोनों खुदकुशी कर लेते हैं। साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। बहुत अच्छे, दोनों की सोच तो बहुत अच्छी है। कैसे मरना है कुछ सोचा है? पटरी के ऊपर लेट के या पंखे से लटक के? खुदकुशी करने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। हौसला अच्छी बातों के लिए बुलंद करोगे तो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकोगे। मीना का अगर पैर सही हो तब तुम्हारे घर वालों को कोई मसला नहीं होगा। नहीं तो समझ लो इसका पैर ठीक हो गया, इसकी जिम्मेदारी मेरी। और फालतू बातें सोचने की जरूरत नहीं है। अरे अब तो हंस दे। और भाई क्या हाल है तुम्हारा? हाँ, तू और मेरे भाई धंधा पानी कैसा चल रहा है?
एक घर में चोरी करने गया, सोचा बहुत माल मिलेगा, जाके देखा तो सिर्फ 750 रुपए थे। ऊपर से पकड़ा गया और 7.5 दिन की जेल भी हुई। पर जेल के अंदर खाना बहुत मस्त था। 750 के लिए तू जेल चला गया। अपने इस भेजे में कभी कभी मेरी तरह दिमाग भी इस्तेमाल किया कर। यार एक मुर्गा है, मतलब कि बकरा है यार, उसको जितना बनाता उससे ज्यादा बन जाता है। 6 फुट का सांड है, यहाँ चेहरे पे किसी ने चाकू से लाइन खींच दी है। उसका नाम चमन चीरा है, झूठ बोलने पर चाकू घोप कर चीर देता है। वैसे तो वो बहुत बड़ा शाणा है, लेकिन उसको क्या मालूम मैं तो शाणों का शाणा हूँ। मानता है ना अपने भाई को। मैंने कहा कि मुझे कैंसर है और मैंने खास दिया तो 2 बोतल का जुगाड़ हो गया। उसके दिमाग में तो भूसा भरा है। अरे रुकना, अभी और भी बाकी है। पता है कल भी आया था, मैंने कहा मुझे दिवाली के लिए मिठाई और पटाखे चाहिए तो वो मान गया और वही लेने के लिए गया है। पता है कितना बड़ा बद्दी मार गया वो। और क्या। अच्छा सुन, अब जब वो वापस आएगा ना तो उसे कहूंगा भाई मुझे 3 BHK विद बालकनी का फ्लैट दिलवा दो। करूंगा तो वो भी दिलवा देगा वो बेवकूफ। ऊपर का माला खाली है उसका। ताड़ के झाड़ जितना बड़ा हो गया लेकिन अभी भी मेरी बातें सुनकर बच्चों की तरह रोता रहता है। और जानता है उसके साथ 4 जोकर भी होते हैं और वो सब भी लंबे चौड़े करके रोते रहते हैं। सबके सब अकल बेच कर मैंने जिस भले इंसान के बारे में कहा था ना वो यही है। कैसे हैं आप? अरे नहीं, छोड़ दो मुझे। इंस्पेक्टर, 5.5 मर्डर करने वाला चमन चीरा बोल रहा हूँ और आज मैं अपना 6.5वां मर्डर करने जा रहा हूँ। क्यों रे, तो आखिरी दीदार मेरा ही करना चाहता था ना, तो कर ले। अरे मत मारो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। टाइम प्लीज, मुझे कुंग फू आता है। सामने से बात करूंगी तो इतराएगा। मैं भी एक्सरसाइज करती हूँ, जरूर बढ़ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 हेलो, उंगली दे रहा है, हाथ पकड़ ले। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा तुम्हें भी एक्सरसाइज करने का शौक है, बहुत अच्छी आदत है। तुम कब से करने लगी? ए, ये क्या बोल रहे हो, मैं जब इस दुनिया में आई थी ना तभी भी एक्सरसाइज करते हुए ही आई थी। वो तो कल रात जरा देर से आंख लगी, वरना मैं 5:15 बजे उठ के एक्सरसाइज करती हूँ। वो तो तुम्हारे फिगर को देखकर पता लग रहा है। कहानी आंख से सब नजर रखता है। एकदम फिट लग रही हो तुम। अच्छा देखो, एब्स भी बनाए हैं और साइड से कटिंग भी एकदम परफेक्ट है। मैंने पहले ही तारीफ कर दी ना। वैसे ऐसी बहुत सी लड़कियां होती हैं जो रात भर बॉयफ्रेंड के साथ चैटिंग करती है और दिन भर सोती रहती है, पर मेरी बात अलग है। मैं बहुत संस्कारी हूँ। लड़की तो ऐसी होनी चाहिए जो 5:15 बजे उठे, एक्सरसाइज करे और भगवान का नाम लेके दिन शुरू करे, अपने माँ बाप को गरम गरम नाश्ता खिलाए और फिर कॉलेज के लिए रवाना हो जाए। अच्छा? हाँ जी माँ। टेरेस पे क्या कर रही है? अब एक्सरसाइज कर रही हूँ। कॉमेडी कर रही है, रोज 10 बजे तो सो के उठती है, वो भी तब जब मैं तेरे सर पे तांडव करती हूँ। आज ऐसी कौन सी खास बात हो गई जो 6 बजे उठ गई? तुम्हारे 4:10 बजे बचते हैं क्या? वो मेरी माँ बहुत ही मजाक किया है। मजाक माने नहीं, तुमने बना लिया अपना। रोज देर से उठने वाली ये लड़की आज सुबह जल्दी क्यों उठी ये भी नहीं समझते। काशी जल्दी आना, पता ना भाई मचमच करते हैं। चल मजा कर। तू भी अपना काम जल्दी निपटा लेना, उसके बाद महफिल जमाएंगे। हाँ भाई तू टेंशन मत ले, आ जाऊंगा। ओए जाने मन, सो गई क्या? उठ जाना। अबे कौन है वे तू? मास। मैं बताता हूँ तुझे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे मार दो, मुझे मार दो। बाबू क्या हुआ तुझे? बाबू उठना बाबू।
देख, किसी ने सत्या के दो आदमी लोग को मार दिया। आखिर सत्या से टक्कर लेने वाला कोई आ गया। कौन है वो? है कोई मास? इस खबर से लगता है सत्या और शत्रु का बुरा वक्त आ गया है। सत्या के नाम का खौफ ये लोग ही फैलाया करते थे, वो तो अब सत्या गया। खुशखबर है, आ जाओ। ए संजय, राकेश, वनीता, भाभी, सब आ जाओ। सबके लिए खुशखबरी है, सत्या के खास आदमी काशी और बाबू मारे गए। किसी मास नाम के आदमी ने उनका काम तमाम किया। ए दीदी, ये देखो दीदी, जिन्होंने तुम्हारे पति को मारा उसको मास ने मारा। अब हवा बदल चुकी है, शहर का नक्शा बदल जाएगा सच में। भाई भाई देखो, भाई ये देखो, किसी मास ने सत्या के दो आदमी को मार डाला। इस बात का जश्न सारा शहर मना रहा है, चलो पार्टी करते। हटो, हटो ना, हटो। भाई वो जो भी है शेर है, शेर। क्या कहा तुमने? मार दिया सत्या के आदमी को, मार दिया सड़क पे, मार दिया। मेरी भगवान ने सुन ली। इन्हें किसने मारा बेटा? किसी मास ने मारा काका। मास ने? वो तो भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। भगवान ने हमारे लिए मास को भेजा है। भगवान मास की उम्र लंबी करे। अब मैं जाके भगवान की पूजा करूंगा और उनसे दुआ करूंगा कि मास को सलामत रखे, मास को सलामत रखे। ए छोटू, ये अंकल कौन है? 2 साल बाद बाहर निकले। इनके दामाद की सत्या ने गोली मार के हत्या कर दी। वो सरकारी ऑफिसर था, किसी जमीन के लिए उसने परमिशन नहीं दी तो सत्या ने उसे मरवा दिया। उसी रात बेटी भी फांसी चढ़ गई। तब से ये रात दिन प्रार्थना कर रहा है कि सत्या कब मरे। लेकिन अब सबका टेंशन खत्म हुआ, क्योंकि पूरे शहर का टेंशन मास ने ले लिया है। अब तुम भी अपनी परेशानी मास को बता दो। चलो चलो चलो, अपने काम धंधे पे लग जाओ। ए काकी, अपनी परेशानी की लिस्ट बना लेना। अभी के अभी ऊपर आओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये सब क्या चल रहा है मुझे सच सच बताओ। डैड, मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। किसी मास का फोन आया था मुझे और कहा मेरा डर से तारुफ कराएगा। उस दिन घर के बाहर बम फटा था और मैंने आपसे झूठ कहा कि पास में गैस का बाटला फटा है। उसने मुझे यह भी कहा था कि दुनिया के सामने हमें कमजोर साबित करेगा, और अब उसने काशी और बाबू का कत्ल करके ये साबित भी कर दिया। और क्या क्या कहा? पब्लिक के दिल से हमारी दहशत खत्म करेगा और पहली तारीख को मुझे मारेगा, ऐसी वार्निंग दी है उसने। कहां रहता है वो? नहीं जानता। हुलिया कैसा उसका? नहीं जानता। तेरे पास हर सवाल का जवाब है, नहीं जानता। डर लग रहा है क्या तुझे? डर नहीं है डैड, पहली तारीख को उसे सामना करने का इंतजार है। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। याद रखो, उसने जो कुछ कहा है उसे करके दिखाया है। अब इसके आगे वो चाहता है लोगों के दिलों से हमारा खौफ मिट जाए। वो कहीं भी हमें खत्म कर सकता है। मसलन वो हमें हफ्ता वसूली करने की जगह पर मार सकता है। मान लो उसने हमारे आदमी को खुलेआम मारा तो लोगों के मन से हमारा डर मिट जाएगा, और वो बिल्कुल यही चाहता है। लेकिन उसे पता नहीं है कि हम उससे 2 कदम आगे हैं। एक अरसे बाद किसी ने हमारे दिमाग में खलबली मचाई है। मैं नहीं जानता वो कहां पैदा हुआ, लेकिन मरेगा यहीं। भैया। अरे भाभी, आप मंदिर होके आ रही हूँ। चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, चेकअप के लिए जाती हो ना? गई थी, रास्ते में सत्या के आदमी किसी गरीब को सता रहे थे, मुझसे देखा नहीं गया। आज ही तो वो तारीख है जब सत्या का खौफ लोगों के जहन से खत्म होगा। बोल, मास किधर है? नहीं जानता। अरे क्यों मार रहे हो भाई?
मुझे मास्क किधर है? बोल, बोल मास्क किधर है? Yes.
चलो। आपके कहे मुताबिक काम हो गया है। चलो ठीक है। और 3 तारीख को अंकल। डैड क्या खबर है? मास खत्म। शाबाश। चीयर्स। चीयर्स। नालायक, हाथ में आए शिकार को जिंदा छोड़कर जश्न मना रहा है। मेरा दिमाग चीख चीख के कह रहा है कि वो जिंदा है। वही होगा मास। ए थकेले, ऐसे ही तुझे थकेला नहीं कहता हूं। निशाना चूक गया रे तू। अबे गोली सर पे मारी जाती है गधे, बाजू पे नहीं। थोड़ी प्रैक्टिस और कर ले, सीख ले, बड़ा हो जा। कब तक पप्पू रहेगा? कैसे मारते वो मैं बताऊंगा तुझे, तब तेरा बाप भी नहीं बचा पाएगा। ए मास, सत्या अभी मरा नहीं है। बड़ा थकेला कैसा है तू? कबर में पांव लटकाए बैठा है और ऐसे बोल बच्चन कर रहा है। एक हाथ में बैसाखी है, दूसरा खाली है। ज्यादा उड़ेगा ना तो दूसरे वाले में पकड़ा दूंगा। बैसाखी दहशत की जो लंका खड़ी की है ना तूने, उसका दहन करने आया हूं। मास, रोक सके तो रोक ले। आज अगर इन बूढ़ी हड्डियों में दम होता तो मैं उसके टुकड़े शहर में फेंकवा देता। लानत है जो सत्या का खून होकर भी तू उसका बाल भी बांका नहीं कर सका। ए सुन ले, अब अगर तू मेरी ही औलाद है तो उस मांस का नामो निशान मिटाकर ही मुझे अपनी शक्ल दिखाने आना। चल जा यहां से। तुम्हारे पिता की किसी ने ऐसी बेइज्जती नहीं की, उसे छोड़ना नहीं। कौन हो तुम? तुम्ही से बात कर रही हूँ, बताओ कौन हो तुम? इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ, जाओ। मार्केट में जो हुआ वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। बताओ मुझे, वो लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते थे? सच कहूँ तो बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ तुमसे, पर अफसोस इस बात का है कि कभी तुमसे इजहार ही नहीं कर पाई। मगर तुम्हारा ये रूप देख के लगता है अच्छा हुआ इजहार नहीं किया। पता नहीं तुम्हारी वजह से कितने बेकसूर मरेंगे, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सबको जाकर अभी बता दूंगी। रुको प्रिया, तुम्हें इनके बारे में कुछ नहीं पता। रेशमा तुम कुछ नहीं जानती? जानती हूँ। नहीं भाभी। नहीं भैया, आज इसे सच बताना पड़ेगा। यही है मां। घबरा मत, मैं भी तुम्हारी तरह खुशहाल और बेफिक्र इंसान था। ए, आज चाहे कुछ भी हो जाए उसे खत्म करना ही होगा। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, वो जो हीरो के स्टाइल में बैठा है ना, वही कर सकता है। भाई चश्मा पहन के तैयार हो जाओ, वो आ रहा है। सुनो भाई, यही मास है। मास? कौन है तू? मास। मास? मास? हाँ। ए? क्यों? लड़ने का इरादा है क्या? किसे बोला? किसे बोला मैं लड़ने के लिए आया हूँ? हाँ? मैं तो नाचने के लिए आया हूँ। तो लगा ठुमका। हाँ?
मैं देखती हूँ। चल गया कि मैं तुम्हारी बहन हूँ तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तेरे जन्मदिन पर तुझसे मिलने के लिए आया और तू ये सब बोल रही है। कोई जरूरत नहीं है मुझसे मिलने की। जिस दिन सत्या का साथ छोड़ दोगे उस दिन मिलने आना। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। तुम्हें क्या लगा कि मैं अपने भाई को सब कुछ बता दूंगी? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सत्या को मिटाने के लिए मास का रहना जरूरी है। और आज तो बहुत ही खुशी का दिन है। आखिर मैंने अपने लिए सही हम सफर चुना है। नहीं, यह ख्याल अपने जहन से मिटा दो। कई राज है जो मैं बताना चाहता हूं। आज तुमसे भाड़ा वसूलना है इसलिए यहाँ सीढ़ी पर बैठा हूँ। अरे किसी मंदिर की सीढ़ी पर बैठते तो दो पैसे कमा लेते। माँ सुन लेंगी। अरे रुको रुको रुको, क्यों भाई कॉमेडी कर रहे हो? बताओ किराया कब दोगे? नहीं दो। नहीं दोगे? आम तौर पर लोग बहाना बनाकर कल दूंगा परसों दूंगा कह देते हैं, तुम तो मना कर रहे हो। अच्छा बाबा मैं नहीं दूंगा। देखो अगर मैंने अपने बेटे को बता दिया तो तुम्हारा खून बेचकर भाड़ा वसूलेगा। बस सुबह सुबह कॉमेडी मत करो। आदि सुनो बेटा, ये मास जानता हूँ। कैसे? इंसान का चेहरा पढ़कर बायोपिक बनाता है ये आदि। भाड़ा दे। नहीं देता। जा ठीक है, पहली भूल तेरी धूल की तरह उड़ा देता हूँ। दूसरी बार पूछ रहा हूँ, भाड़ा दे। बुलाना नहीं दूंगा। खून की भट्टी गर्म हो रही है, भाड़ा दे। अब आदि की आखिरी पुकार। ऊपर वाला कमरा तो रहेगा लेकिन उसमें तू नहीं रहेगा। आज तक किसी मर्द की हिम्मत नहीं हुई कि आदि को छू ले। यानी आज तक औरतों से ही पिटता? पिताजी मेरा चौपर कहाँ है? आज तो इसका कीमा बनाऊंगा। आदि मेरी बात सुनो, मत जाओ बेटा। इस तूफान का नाम क्या है? आदि। बापू आपकी कसम, चुन चुन के मारूंगा। शॉप में क्यों खड़े हो? आदि चला गया क्या? सुनो तुम जल्दी से अंदर जाओ और फोन लेकर आओ। पहले लॉयर को फोन करूंगा, फिर आईजी को करूंगा, फिर जज को करूंगा, तब वो बाहर आएगा। पर किस लिए? अरे किस लिए क्या, वो मर्डर करने जा रहा है। छी, जाओ जी। ए, तुम मुझे जाओ कहती हो? अरे जाओ ना। आओ भाई हवा खा के आते हैं। तेरे को तो वसूली भाई बनना चाहिए। अरे भाई कभी कभी कैरेक्टर में आना पड़ता है। अच्छा तुम हमेशा भाड़ा देते थे, इस बार क्या बाउंस हो गया? क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया। हाँ समझ गया समझ गया, माँ से शिकायत करनी पड़ेगी। बोल दे, बोल दे। डार्लिंग कल सुरमा लगा के आना। भैया कोई आदि नाम का लड़का आपसे मिलने के लिए आया है। आदि? हाँ। वो तो इधर आता नहीं कभी। आदि आज तू यहाँ कैसे? भाई एक बड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। अच्छा? वो पप्पू पतंग बहुत उड़ रहा था, मैंने उसका मांजा ही काट दिया। उसने टपली मारी, मैंने भी टपली मारी। किसी गली के गुंडे को लाने के लिए गया, मैं बोला मेरे पास भी गुंडा है। लेकिन तेरे पास गुंडे कहाँ है रे? अरे तुम्हारे भरोसे लफड़े का स्टॉक ले लिया। अबे मैं तो मैकेनिक हूँ। भैया वो देखो पूरा जिला परिषद आ रहा है रिक्शे में। चलो अपने हीरो की। अरे भाग ले बेटा। अरे भाई तुम भाग लिया बहुत मारेंगे मेरे को, मेरा चप्पल भी साथ नहीं दे रहा है। रुको। अरे ये रनिंग कॉम्पिटिशन है क्या? स्कूल में अकेला भाग के भी हार जाता था। ए भाई रुक जा। अरे चल भाई, किसका नट टाइट करना? आजा आजा। अरे वो तो बड़ी बड़ी हाँक रहा था कि तू गुंडा है फलाना है, लेकिन तू तो पतली गली पकड़ कर यहाँ आके बैठ गया। गुंडा नहीं बे, मास।
एक लाफा पड़ेगा तो 9 चक्कर काट के 10वें में जमीन चाटेगा। हो गया अपने धंधे की जगह थी, लेकिन यहाँ टेंशन नहीं है, यहाँ आप उन खेल सकते हैं। मास के हाथ और पैर ही उसके हथियार हैं। मास की टांग घूमेगी तो भूचाल आ जाएगा। सुनो, ये तो कॉमेडी भी करता है। अरे कॉमेडी टाइम नहीं, ये एक्शन टाइम है भाई। जरा पोज तो मार के दिखा। कोई आम सिक्का नहीं है, मेरी माँ की निशानी है। हाथ हटा। आजा जाड़िया। ये झुलता मीनारा। नहीं नहीं। क्या रे खजुए, बहुत खुजा रहा था ना तू? अब तेरी पटेली की खुजली मिटी की नहीं? क्या रे, कहाँ का पटेल है तू? इसको मारेगा तू? ए इधर आ, चल मार। अबे मार ना तेरी तो, चल मार। अच्छा कर, मार खा ले। अरे देख क्या रहा, मार ना, उसको चाहिए। हाँ क्या बात है। ओके, आधी की तरफ कभी आंख उठा के देगा तो दीदे निकाल लूंगा। चल बेटा। आधी तू मेरा भाई। मेरा बापू उठ गया ना तो हम दोनों दुनिया से उठ जाएंगे। धीरे धीरे भाई, अगली बार एक बोतल और मंगाएंगे। चीट डालूंगा, काट डालूंगा, फाट डालूंगा। मेरा फाड़ा निकाल, दिमाग की हड्डी के लिए तलवार किधर है मेरी? जाओ तुम, जाओ यहाँ से, वो सचमुच मार देगा, उसका भी खून मेरी तरह गर्म है। तो फिर शब्बा खैर। हाँ ये सही था। अरे ये क्या कर रहा है, पार्वती तलवार छुपा दो। बाहुबली की तलवार किधर है? तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक, मास को मरने से बचा लिया। आधी रात को शोर कैसा? अगर ये उठ गया ना तो मास हमेशा के लिए सो जाएगा। अरे जाके सो जाओ ना। जाता हूँ। मेरी कोई गलती नहीं है माँ, सब वो टुच्चे का काम है। मैंने उसको बहुत समझा, थोड़ी सी धोखे से पिलाया थी उसने, मैंने सॉरी बोल दिया ना। अब तो बात कर। सुनो माँ, बहुत अकेला हूँ मैं, अब अपने दिल की एक बात कहना चाहता हूँ। काश मेरी भी एक बहन होती तो कितना अच्छा होता। प्यार से दोनों बातें करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं। खैर कोई नहीं, बहुत भूख लगी है माँ, और खाना देने के लिए यहाँ कोई नहीं। अब और बोलूँगा तो तू भी रो देगी, इसलिए सोने जा रहा हूँ। सॉरी माँ, गुड नाइट। कब से कहा है कॉफी के लिए, सर दुख रहा है। लक्ष्मी, लक्ष्मी शांत हो जाइए, अंजलि पूजा कर रही है। मैंने कब से कॉफी मांगी है। ये लीजिए, आ गई। हाँ। इधर आ, देख शांति शांति से काम करना, अंजलि पूजा कर रही है। ध्यान रखना। Let's have a party!
रुको अंजलि, रुक जाओ अंजलि, रुक जाओ। सबको शांत किया कि पूजा कर रही है, देखा तो डांस कर रही है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे सलीम और अनार गले लग रहे हो, मौका छोड़िएगा मत दादाजी, झप्पी ले लीजिए, मैं कह रही हूँ ना झप्पी लीजिए। हाय दादी क्यों इतना शर्मा रही हो, कम ऑन दादाजी कम ऑन। अरे और बताना क्या हुआ? अरे छोड़ना। और उसके बाद तो I love you। आ गया मजनू। I love you जाने मन। ए समझ में नहीं आता तुझे, रोज बस स्टॉप पे खड़े होकर I love you कहता है। ओ शायद ये स्टाइल तुम्हें पसंद नहीं आया, अभी देखो। बैठ के इंतजार करता हूँ। I love you। लगता है ऐसे नहीं मानेगा, पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। जैसी आपकी मर्जी। आज कुछ ज्यादा हो गई, आदि से बात करनी पड़ेगी। मैं तेरे से ही बात करने जा रहा था, तू यहाँ बैठा है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ए? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ठीक है, आलिया भट्ट नहीं है तू। अली ये बताना था कि टेंशन था इसलिए मंदिर गया था मैं, वहाँ एक फैमिली को देख के बीपी और बढ़ गया, सोचा एक दो क्वार्टर मार लूंगा टेंशन कम हो जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया, सोचा तेरे से बात कर लूं तो तू तो आड़ा फट रहा है। ठीक है, अपना टाइम खराब है, जान दे। टाइम खराब नहीं, अच्छा है। मैं आपका इंतजार सुबह से कर रहा हूँ, पता है काय को? काय को? पता था आप भूल गए होगे, आज मेरा हैप्पी जन्मदिन है। क्या? अरे रे 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 रे, हैप्पी बर्थडे लाले। बर्थडे मेरा, मना के तुम आ रहे हो। सॉरी डाले। इट्स ओके, मैंने सोचा था कि साथ में मंदिर जाएंगे, पर तुम जाके आ गए, कोई बात नहीं। आएगा इस दुनिया में भैया मेरा कोई नहीं है जो मुझे एक बड़ा सा गिफ्ट दे सके। ए, ए, डेली सोप के हीरो, ये ले। फिलहाल मेरे पास यही कीमती गिफ्ट है। नशे में बैकी बैकी बात कर रहे हो, अगर होश में होते ना इसको कोई छूता तो तुम उसको बेहोश कर देते। ना बाबा मैं नहीं लूंगा। तो खैर नहीं है, भाई है मेरा। थैंक यू भैया। पर एक बात है, अपने आप को कभी अकेला महसूस मत करना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। फटाफट गर्म पानी मुंह पे डालो, स्त्री वाले कपड़े पहनो, लड़की ढूंढो, प्यार करो, शादी करो, फटाफट बच्चे पैदा करो, लेकिन सिर्फ दो, ज्यादा नहीं, फिर बीवी बच्चे भाई और प्यारी सी फैमिली। आजकल की छोकरी अपना स्टाइल पसंद करेगी? जब गली के चने वाले को लड़की चुन रही है, आपको तो 10 मिलेगी। 10 में से एक को चुनो। एग्जैक्टली भाई, बाकी 9 तेरे लिए। क्यों आपकी जल गई क्या? रहने दे, 9 मैं लूंगा, एक तू लेना। माँ बापू को नींद नहीं आ रही है। वो कौन है मैडम जो तुम्हें रोज परेशान करता है? वो जो ब्लैक शर्ट में खड़ा है ना, वही है वो लफंगा। आप बेफिक्र होकर जाओ, इस लफंगे को मैं देखता हूँ। ओके सर। ओके, लगता है ये आज आने वाली नहीं है, दूसरे बस स्टॉप पे ट्राई करता हूँ। क्या देख रहे हैं सर, हैंडसम दिख रहा हो ना, पता कितने की शर्ट है? 1000 रुपीज, ब्रांडेड है। अच्छा तो तुम यहाँ लड़की पटाने आए हो? को कैसे मालूम पड़ा सर? आप करमचंद हो गया? तेरी शक्ल बता रही है। क्या है ना, मुझे अभी सेटल होना है, आपके ध्यान में कोई लड़की है क्या सर? लड़कियां तो बहुत है, मेरे साथ चलना नहीं पड़ेगा। नहीं सर, पहले आप मुझे बताइए वो लड़की। अरे तू चलना बताइए ना सर। अरे बोला चलना। देखिए सर, मैं एक शरीफ। बस स्टॉप पर मासूम लड़कियों को छेड़ता है सर, आप खामखा मार रहे हैं मुझे। और क्या, मैं तेरी सर, आप मुझे जबरदस्ती फंसा रहे हैं। लंबे टाइम के लिए जेल में सड़ेगा तो तेरी आकर ठिकाने आ जाएगी। मास कोई सड़क छाप नहीं है, बुलाओ उस लड़की को, अगर वो कह देगी कि मैंने उसको छेड़ा है तो उठा के ले जाना और डाल देना 10 साल के लिए, नहीं तो भौकाल मचा दूंगा। ए रुको, फौरन लड़की को बुलाओ। आइए मैडम आइए, बताइए यही है ना वो लड़का? ओह ये वो नहीं है। ये क्या कह रही है, एक नजर फिर से मारिए। आप किसी और को पकड़ के ले आए? गलत आदमी को पकड़ लिया। ए, बाहर निकालो इसे। अरे रे, I'm sorry, गलती हो गई, really sorry। दरअसल एक लड़का रोज मुझे परेशान करता है। जब मैंने पुलिस को उसे दिखाया तब उसने ब्लैक शर्ट ही पहनी थी। लगता है उसके जाने के बाद आप वहाँ पहुँच गए और पुलिस ने आपको पकड़ लिया। ओह कितनी ठुकाई की है ना पुलिस ने आपकी। देखिए ना खून भी निकल रहा है। आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि आप वो नहीं है? इतनी धुलाई तो नहीं होती आपकी? ओह सब मेरी।
मेरी ही गलती है, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? देखिए मैं सच कह रही हूँ, जानबूझकर ये भूरी भूरी आंखें बर्बाद कर देगी, कमजोर दिल वाला उड़ जाएगा बेचारा। ऑफिसर बहुत बड़ा काम कर दिया मेरा। कन्या का नाम क्या है? अंजलि। बढ़िया सा मुहूर्त देखो, शादी करूंगा इससे, सेटल होना है ना। बहुत खूबसूरत है भाई। हाँ? अरे वाह भाभी मुबारक हो। अरे भाभी आती आपकी ठुकाई हो गई, दर्द दे रहे क्या? ए, पुलिस हाँ? वाला यहाँ मारता है हाँ? तो यहाँ दर्द होता है। अच्छा, इधर मारता है हाँ? तो इधर दर्द होता है, लेकिन उसने मुझे यहाँ छुआ लेकिन दर्द यहाँ हुआ। वाह दिल फड़का ना, देखा, मेड फॉर ईच अदर, हैप्पीली लिव टुगेदर। अब मेरी सलाह सुनो। हाँ, अब तो वही है मेरा डेरा। आप थोड़ा खिसकेंगे? पक्का नहीं कह सकते। आदाब, नमस्ते। मैं वो पुलिस स्टेशन। अरे एक एक करोड़ के शेर पड़े थे तुम्हारी आंखों को देख के। जरा सुन लीजिएगा, मेरी तारीफ में कुछ कहना चाहता हूँ। किस लिए और क्यों सुनो? तुम्हारी वजह से मुझे फटके पड़े, तब तो मैंने क्यों किस लिए कुछ भी नहीं कहा। तो तुम्हें भी संयम से मेरी तारीफ सुननी चाहिए, दिल को सुकून मिलेगा। बको। शुक्रिया। भाई का नाम है मास। कौन सा मास? आप यही सोच रही है ना कि ये कैसा नाम है? लंबी कहानी है, मेरी माँ बहुत गरीब थी। जब लेबर पेन शुरू हुआ तो पड़ोसियों ने अस्पताल में एडमिट करवाया, ऑपरेशन हुआ, मेरा जन्म हुआ और वो मर गई। माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, तो हॉस्पिटल वाले परेशान हो गए कि हम इस बच्चे का क्या करें। डॉक्टर दयालु था, उसने मेरी मरी हुई माँ का फोटो खींचा और मुझे अनाथ आश्रम में भेज दिया। मेरी माँ की फोटो देखते देखते मैं अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ, और जब मैं जवान हुआ तो वहां से निकल गया। मॉल चलते हैं मास से, सिनेमा चलते हैं मास से, गाने भी चलते हैं मास से, नेता की पॉलिटिक्स भी चलती है मास से, यानी पब्लिक से। मेरी कोई फूफी तो थी नहीं जो मेरा नाम रखे, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया मास से अच्छा नाम हो ही नहीं सकता। लगता है आप लोग इमोशनल हो गए, आइए आप लोगों का मनोरंजन किया जाए। क्रिकेट में तेंदुलकर, फुटबॉल में पेले, बॉक्सिंग में टाइसन, बताओ स्पोर्ट्स की परिभाषा क्या है? नहीं पता, निकल लो तुम। माँ टीवी, ई टीवी, नाइन टीवी, जेमिनी टीवी, इन सब पे ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं। तुम इधर आओ, सोशल ड्रामे की बात करते हैं। मम्मी डैडी, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, पिंटू, ये सब सीरियल में होते हैं। अब सिनेमा की बात करते हैं। हिंदी में अमिताभ बच्चन, तमिल में रजनीकांत, मलयालम में मोहनलाल, कन्नड़ में राजकुमार, तेलुगु में मुझ जैसे बहुत है। अब मैं मौसम के बारे में बताता हूँ, गर्मी का, बारिश का और ठंडी का मौसम। मौसम विभाग बोलेगा तो कभी बारिश नहीं होगी। जिंदगी के तीन पहलू, बचपना, जवानी, बुढ़ापा और फिर खत्म। मैंने तुम्हें हर बात से याद करा दिया, एक बात रहेगी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ये क्या हरकत है, बीच चौराहे पे प्रपोज करके अब मासूम बनकर खड़े हो? ए, तुमसे कह रही हूँ। आपने छू दिया, उसके लिए शुक्रिया। क्या मैं ये हर चलती फिरती लड़की से कहता हूँ? नहीं, वो सिर्फ तुम और तुम ही, तुम्हें इसका जवाब देना है। आप लोग जवाब सुनना चाहते है ना? खामोश, मैं किसी अरे गहरे से प्यार नहीं कर सकती। हेलो, मैं भी कोई चलता फिरता आशिक नहीं हूँ, मास का भी कोई क्लास है, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। आई लव यू का जवाब चाहिए? दो दिन का टाइम दे रहा हूँ, मुझे जवाब चाहिए, अच्छे से सोच लो, मम्मी को बताना है। मम्मी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन शर्म आ रही है, मुझे ना एक लड़की से प्यार हो गया है, मैंने उसे बोल दिया है, लेकिन क्या पता वो हाँ बोलेगी या नहीं। मुझे ना तुम्हारे आशीर्वाद चाहिए माँ। आशीर्वाद के लिए थैंक यू मम्मा। क्या ख्वाब था, अंजलि को बताऊंगा मैं। अरे बाप रे, फिर से आ गया। हाय अंजलि। हाय गर्ल्स। हाय मास। अंजलि, कल रात मैंने हमारे प्यार के बारे में माँ को बता दिया और वो सहमत भी हो गई। क्या ऐसे चौंक क्यों रही हो? पहला प्यार है ना, रात को मैंने बेहतरीन ख्वाब देखा, हम दोनों की शादी हो गई, एक ही साल में जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी, बेटे का नाम सूरज, बेटी का नाम चांदनी। ये कैसा नाम है? तुम्हें नाम पसंद नहीं आए तो और कोई अच्छे से नाम रख लेंगे, हम दोनों मिलकर चुनेंगे, इत्मीनान से सोच लो, चाहो तो यहाँ बैठ कर सोच लो। देखो तुम, इजारे मोहब्बत की कोई जल्दी नहीं है, बाद में भी कह सकती हो। बाय फ्रेंड्स। बाय अंजलि। क्या मैंने हाँ भी नहीं कहा और
नाम भी सोच लिए। वो छोड़ ये बता तुझे बच्चों की नाम पसंद आए? बोल इधर आ गया। पढ़ाई करने के बाद ही खेलने गया था डैडी। खेलने जा रहा है? अरे क्या कर रहे? मेरी बिना जाने मारने बच्चे को। अरे मारो छोड़ मैं। अरे बच्चा है यार, बोला ना मत मारो। तू बीच में मत बोल। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो तेरे जैसा आवारा बनेगा। मेरा बेटा लावारिस नहीं है, इसका भविष्य मैं बनाएगा। नहीं तो तेरे जैसा दर दर भटकता रहेगा। ये मेरा बेटा है, मैं इसे मारू पीटू कुछ भी करूँ, तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? आखिर तेरी हैसियत क्या है? तू तो एक मेरे भैया को अनाथ कहा? अरे ये वो शख्स है जो खुद बेसहारा होके दूसरों को सहारा देता है। आज के बाद उन्हें कभी अनाथ मत कहना। अरे मैं हूँ उनके साथ, उनका भाई जिंदा है अभी। छोड़ भैया, छोड़ दो मुझे, मार डालूंगा उसे। कम वक्त कहीं का क्या रे, बड़ा गरम खून है तेरा। भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि आपके लिए कोई गलत अल्फाज का इस्तेमाल करे और कोई बोल के दिखाए, मुंह तोड़ दूंगा। चल थोड़ा हंस दे। अरे बस कर, मोटा हो जाऊंगा। क्या भैया, खाके जान बनाओ ताकि तेरी तरह मोटा हो जाऊं। चटनी तू दे रहा हूं ना? बस इतना काफी है, ठीक है? घी हाथ दे रहा हूं ना, ये लो भैया घी और इडली। पीछे देख कौन है। ए भाड़ा निकाल। बेटा दी, ड्रामा बहुत हो गया, भाड़ा इसने कल ही दे दिया। दे दिया? मैं इस महीने का भाड़ा नहीं मांग रहा हूँ, मैं आने वाले महीने का भाड़ा। ए क्या कर रहे हैं? ये आज खाने के लिए नहीं, कल खाने के लिए है। अगर इन्हें नहीं खाने दिया तो हफ्ते भर तक तुम खाओगे। यस, तो मुसीबत हो जाएगी। क्यों रे, आज तक तुम तीनों मिलकर ड्रामा करते रहे इसलिए पहचान नहीं पाया है? मैंने इससे किराया मांगा, इसने एकदम मना कर दिया, फिर मैंने तुमसे कहा, तुम भल्लाल देव की तरह तलवार निकालकर उसके पीछे दौड़े। डर के मारे मैंने तुम्हारी माँ से कहा वकील को फोन करो, उसने मुझसे कहा चल जा बे। क्यों री, चल जा बे कहने की बजाय तुम, अरे मेरे मूर्ख पति देव, ऐसे प्यार से गाली देकर सच भी तो कह सकती थी ना। माफ कर दो। अब पैर क्यों पड़ रही हो? ओहो, इस गलती के लिए? नहीं नहीं। फिर किस गलती के लिए? तुमसे शादी जो की है। मुझे बुलाया? हाँ अभी आया। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, 1 2 3 1 2 3। हेलो, एक जरूरी सूचना देनी है, सब 2 मिनट के लिए रुक जाएं प्लीज। आप सब जरा गौर से सुनिएगा, लड़कियां ना सुने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़कों का सुनना जरूरी है। यह मेरी जिंदगी का सवाल है, यह मेरी जिंदगी और मौत का। माफ करना भाईजान। ठीक है, आखिर इतना ट्रैफिक क्यों है? यहां जो चाहे जिसे चाहे मोहब्बत कर सकता है, एक दूसरे को प्रपोज कर सकता है, उन सबको मैं गुड लक बोलता हूँ। आज तो ये भोंपू लेकर आया है, उसे कुछ ऐलान करना होगा तो टेंशन मत ले। इस भोंपू में मेरे बारे में ही बोलेगा। अब मैं जिसे प्रपोज करना चाहता हूँ उस लड़की का नाम है अंजलि, जिससे मैं बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। ये प्यार कर रहा है, ये इलेक्शन लड़ रहा है, भोंपू में बयान कर रहा है, इसलिए बड़े प्यार से समझा रहा हूँ। उस पर किसी ने भी आंख उठाने की कोशिश की तो बवंडर आ जाएगा। ए रुक जा, तेरी तो सही टाइम पर एंट्री मारी है ऑफिसर, इसे ना अंडरग्राउंड कर दीजिए अभी के अभी। ए पहले तुम कंप्लेन करोगी कि ये मुझे छेड़ रहा है, इसे जेल में डालो, और फिर तुम ही आकर ओहो हो ये वो नहीं है ऐसा कहकर मेरी ड्यूटी का मजाक उड़ाओगी। और ये भाई साहब मुझसे कहेंगे कि इस लड़की से मेरी कुंडली मिलवा के मेरी शादी करवा दो। तुम्हें लगता है पुलिस यही काम करती है? महाशय आप जारी रखिए। जी शुक्रिया। कहो तो ट्रैफिक हटवा दूं? बिल्कुल करिए सर। ओके। मुझे लगता है इसने पूरे शहर को रिश्वत खिलाई होगी। अरे छोड़ ना, ऐसे शहर में बहुत पड़े हैं। आई लव यू। सुबह सुबह बागीचे से आपके लिए तोड़ के लाए। चिरकुट, 2000 खर्च करके भोंपू लगा के ट्रैफिक की ऐसी तैसी करके मैं इसे सेट कर रहा हूँ, और तू 2 रुपए का गुलाब दिखा के दाना डाल रहा है। पिछले कई महीनों से ट्राई कर रहा हूँ, तू अपने लिए किसी और को ढूंढ ले। ओ तो वो लव गुरु आप ही हैं, आप ही के आशीर्वाद से तो ये मुझे मिली, मैं इसे संभाल लूंगा, आप निकलिए। ये क्या बोल रहा तू? चटनी के रोक, चल निकाल। समझ गया आज से अपनी भाभी है। अंजलि तुम्हारे लिए वो लड़ रहे हैं। हाँ, तो तू जाके छुड़ा ना, लगता है इसने भी रिश्वत खाई है। वो विलन मैं हीरो, हीरो जब विलन को धोता है तो हीरोइन को हीरो की तारीफ करनी चाहिए। क्या तमाशा है ये,
अपनी गलती के लिए पुलिस स्टेशन में माफी मांगी थी ना तुमसे, वहीं पर बात खत्म कर सकते थे ना। लेकिन तुम तो प्यार की पिपड़ी बजाने लगे, अपने नाम की कहानी सुनाकर मुझे इमोशनल करना चाहते हो। प्रपोज कर दिया, माँ को कहानी सुना दी, सपने देख लिए, बच्चों के नाम रख दिए, और नाम रखने के बाद मुझसे पूछते हो नाम कैसे लगे। और आज तो तुमने हद ही कर दी, भोंपू लगाकर पूरे शहर को बता दिया। अगर तुम्हारा बस चले तो अखबार में छपा दोगे, फिर टीवी पर ऐलान कर दोगे। अरे ओए, ये पेपर और टीवी का आइडिया तो बहुत अच्छा है, पहले क्यों नहीं सोचा। छूने के लिए थैंक्स। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ तुम मुझसे इश्क का इजहार कर। मेरी जूती से जिंदगी में कभी प्यार नहीं करूंगी। करोगी? नहीं करूंगी। जरूर करोगी, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। इसी उम्मीद में मर जाओगे पर तुमसे प्यार नहीं करूंगी। चैलेंज? चैलेंज। खुद पर इतना गुरूर? बिल्कुल। मैडम एक घंटा मेरे साथ बिता लो, तुम्हारा गुरूर चूर हो जाएगा। ऐसा क्या करोगे? मेरा साया भी तुम पर नहीं पड़ेगा, फिर भी तुम मुझसे मोहब्बत करोगी। ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे? फिर अपनी ये शक्ल मत दिखाना। ए अंजलि, तू क्या इसके साथ जाएगी? ओ असिस्टेंट, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम जाओ, रोज रोज के टॉर्चर से अच्छा है एक घंटा इसके साथ बिताकर ये मसला ही खत्म कर दूंगी। कहाँ जाना है बोलो? बस की सवारी, बड़ी प्यारी। स्टॉप स्टॉप, आइए मोहतरमा। बाय गर्ल्स। बाय। गुस्से में तुम और भी हसीन लगती हो, तो मैंने कहा ऐसा कोई डायलॉग मारूंगा, बहुत गंदी लग रही हो। एक घंटे का टाइम है हमारे पास, मुस्कुरा दो यार। बोलो कैसे बुला दूं तुम्हें। क्या बात है, ये लो गिटार और शुरू हो जाओ। बेटा दो पैकेट देना। देखो 45 मिनट हो चुके हैं, अभी 15 मिनट बाकी है ना, चलो कुछ दिखाता हूँ। कहाँ? अरे आओ ना, शर्मा क्यों रही है? भैया। हाय। भैया तुमसे मिले कितने दिन हो गए। क्यों रे, पिछले हफ्ते ही तो आया था, भूल गया? अंजलि, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। बेटा नमस्ते बोलो। नमस्ते। ये आइटम कौन है? भाभी है। भाभी? कौन भाभी? किसकी भाभी? किसकी कहा भाभी? मैं भाभी नहीं हूँ। देखो मैं अंजलि, थोड़ा दिल बड़ा रखो यार, बच्चों ने खुश होके भाभी बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है। चलो थोड़ा नेक काम करो, इन्हें खिला दो। जबान तो लंबी है लेकिन अकल कम है, इतनी सारे बच्चे थोड़ा और लाना चाहिए था ना। जेब में पैसे उतने ही थे। भैया हटो। दीदी हमें पेट भर खिलाने की कोई जरूरत नहीं, प्यार से एकने वाला खिलाओगी वही काफी है। हमारा कोई नहीं है भैया की तरह, कभी कभी आप भी हमें मिलने आया करोगी? जरूर आऊंगी। हमको सब अनाथ कहते हैं, अनाथ का मतलब क्या होता है? अनाथ मतलब भगवान के बच्चे। मैं भी तो अनाथ हूँ, मुझे भी एक निवाला खिलाओगी? अच्छा बच्चों, हम तुम जाके खेलो। हाँ अंजलि, मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ जानती हो? ये ईश्वर का घर है और यहाँ झूठ बोलना मना है। सच बता, तुम उससे प्यार करती हो या नहीं? मैं कॉलेज नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आएगी? उससे मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ, मुझे नहीं आना। मतलब तुझे प्यार हो गया है? मैंने ऐसा कहा? तेरी आंखों में नजर आ रहा है। यार बड़ी जोर की भूख लगी, चलो चल के कुछ खाते हैं। क्यों रे, अंजलि के पीछे तू ही पड़ा है ना? क्यों, मेरे लिए कोई मैसेज भेजा है? अंजलि तू डर रही है ना कि कहीं मांस ना आ जाए, अब वो तुझे नहीं सताएगा। मैंने भैया से शिकायत कर दी है, अब तक तो उसकी धुलाई हो गई होगी। अरे पगली ऐसा क्यों किया, तेरा भाई तो एक नंबर का मवाली है। ये ठीक नहीं किया तूने, तुम्हारे भाई को फोन करके रोको। हाँ
अरे ये क्या, क्या हुआ? भैया मास्क की धुलाई करके यहाँ ला रहे हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो मेरे भैया की धुलाई हो गई। मैं जाती हूँ। जो मुझे मारने आता है मैं उसकी धज्जियां ना उड़ा दूं तो मैं मर्द कहलाने लायक नहीं। उसी तरह जिससे मैं प्यार करता हूं उसकी इच्छा पूरी ना करूं तो भी मैं मर्द नहीं। क्यों, तुम चाहती हो मेरे हाथ पैर टूटे, मेरा खून बहे, इतना ही ना? नहीं 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 नहीं, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। हैप्पी, अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। I love you. I love you. अब वो ठीक तो है ना? अभी कुछ कह नहीं सकते। काफी देर हो गई अंजलि, सुबह फिर आ जाएंगे। घर पे दादा दादी परेशान हो रहे होंगे, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जब तक वो होश में नहीं आ जाता मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। प्लीज चलना यार अंजलि। डॉक्टर मास्क, अब वो बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप जाके उनसे मिल सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। बीच सड़क पर ऐसी हरकतें करते शर्म नहीं आती? ऐसे क्या देख रही हो, मुझे कैसे पता चला? इसने देखा था। माफ कर दीजिए दादाजी, आप चाहे कुछ भी समझिए लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। चांदनी, आप लाए हैं भैया? नहीं, ये भाभी की तरफ से है। भाभी? भाभी। अरे भैया भाभी आ रहे हैं ना, आइए, वेलकम वेलकम भाभी। है लुकिंग नाइस। चलो ऊपर चलते हैं। माँ, होने वाली बहू पसंद आई? अंजलि मास। मैं वाकई खुशनसीब हूँ। कैसे? अक्सर नाम दादा दादी या फिर माँ बाप रखते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है कि अपने जीवन साथी का नाम रखने का मौका मुझे मिल रहा है। आज से तुम्हारा नाम है गणेश। जब भी मुझे बात करनी होती है तो मैं उस गणेश जी से बात करती हूँ, लेकिन आज के बाद मैं इस गणेश जी से बात करूंगी। अब से मुंह वाली बना छोड़ दो तुम। नमस्ते गणेश भाई। जासूसी कर रहा था अंजलि, ये आदि बड़ा कब? मैं बताता हूँ, मैं गणेश भैया का प्यारा छोटा भाई।
तुम्हारे भैया का नया नाम पसंद आया? हाँ, नाम के साथ साथ जोड़ी भी नंबर वन है, लेकिन तुम्हारे प्यार करने का तरीका नंबर टू है। हाँ भाभी, वही तो देर कर दी, अब पढ़ाई को चाट जाओ और शादी पीट दो। उसमें तो एक साल लग जाएगा। बिल्कुल नहीं, कल ही शादी। क्या चट मंगनी पट ब्याह? ये पॉसिबल नहीं है मैडम। अरे नया नया प्यार है, थोड़ा मजा लेंगे, बाइक पर घूमेंगे, फिल्में देखेंगे, पत्थरों पे चोंचे लड़ाएंगे, कैफे में चिल करेंगे। क्यों आती? अरे बोल ना। भाभी मजाक कर रही हैं। मैं कोई मजाक नहीं कर रही, तुम जैसा कह रहे हो मैं भी वही चाहती हूँ। तुम्हारे बारे में सब जान लिया, पर मेरे बारे में तुम कुछ नहीं जानते। मेरे पापा एक डॉन है, उनका नाम है सत्या। वाह बहुत बढ़िया, गुड। डैडी, अब सुनो तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात। दिखता नहीं मैं बात कर रहा हूँ, जाओ यहाँ से। क्या हुआ अंजलि? भैया, हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, लेकिन आज तुम्हें देखती हूँ तो डर जाती हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मैं दादा दादी के पास चली जाऊंगी और वहीं पढ़ूंगी, और इस मामले में डैड से तुम्हें बात करूंगी। मेरी बेटी आपके यहाँ आ रही है, इसलिए उछलने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रहे अंजलि वहां अपनी पढ़ाई करने के लिए आ रही है। अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। हाँ, जानता हूं। धीरे धीरे मैं भी तुम्हें चाहने लगी थी, पर पापा और भाई के डर से मैं अपने दिल की बात तुमसे कह नहीं पाई, इसी वजह से तुमसे दूर भाग रही थी। अंजलि, पूरी दुनिया भी अगर खिलाफ हो जाए ना, फिर भी अलग नहीं होंगे। तुम मेरे पापा को नहीं जानते, अगर उन्हें भनक भी लग गई तो ये शादी नहीं होने देंगे। गणेश, तुम्हारा कोई नहीं इसीलिए तुम यतीम हो, और सबके रहते भी मैं यतीम हूं। हम ही एक दूसरे का सहारा है। ये लीजिए, मेरे भैया की शादी है, लिफाफा मत लेकर आना, खाना खा के जाना। माँ को शादी के बारे में नहीं बताया, नहीं तो डैडी अगले साल का भाड़ा मांग लेते हैं। अरे रे, माँ की तस्वीर लाना भूल गया, अभी लेके आता हूँ। भैया भाभी इंतजार कर, दो मिनट में आता हूँ, तुम जाओ ना। हाँ। जल्दी जल्दी भैया, जल्दी आ जाना, मुहूर्त निकला जा रहा है। आओ बेटा शत्रु, कैसे हो? अंजलि कहाँ है? अंजलि वो तो कॉलेज गई है। अरे ये सब क्या हो रहा? क्या कर रहे हो बेटा? हमें कुछ नहीं पता, हम नहीं जानते वो कहाँ है। सा, वो मंदिर में शादी करने के लिए गई है। तुम लोगों को वफादारी अपने नौकर से सीखनी चाहिए। अच्छा हुआ इसने मुझे बताया, अगर पापा को ये बात पता चल गई तो तुम्हें मार डालेंगे। फौरन मुझे अंजलि के पास लेकर चल। अरे माँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो। गणेश भैया, भाभी, ए कौन है तू? छोड़ भाभी को। दादी तुम चले जाओ। भैया भैया इसे कुछ मत करना, भैया प्लीज, भैया इसे छोड़ दो। आदि, आदि, भैया छोड़ दो प्लीज। जिंदा मत छोड़ना उसे। भाभी चल। आदि, आदि, आदि,
इसे छोड़ दो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। मर इसे छोड़ दो प्लीज भैया। मैं छोड़ो बैठो अंदर। छोड़ो मेरी भाभी को छोड़ दो। मेरे भैया का कोई नहीं है। आदि 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 ये कैसे हो? आदि आदि किसने किया ये? मुझे माफ कर दो भैया। भाभी को उसका भाई जबरदस्ती ले गया। मैं उसे रोक नहीं सका भैया। उसे मत छोड़ना भैया। आदि 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 पूरे दर्द को दिल में दबा कर उसे तुम लोगों के सामने बिना जाहिर किए मैं सबके सामने हंसी खुशी रह रहा था। पहली तारीख अब सिर्फ 3 दिन दूर है। उस दिन वहां आदि का क्रियाकर्म होगा और यहां सत्या की होगी मौत। तब से अंजलि से मुलाकात नहीं हुई? नहीं, कल मुलाकात होगी। सत्या के किसी रिश्तेदार के यहां शादी है। अंजलि वहां जरूर मौजूद होगी। पर उन लोगों ने तुम्हें पहचान लिया तो? उन लोगों ने मुझे आज तक नहीं देखा। ऊपर वाले से बस यही दुआ मांगूंगी कि तुम्हारी अंजलि तुम्हें वापस मिल जाए। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई तुमसे। लाइटर है? सुना कि आप चिंगारी हैं, लेकिन यहां पर तो आपकी मैंने जला डाली सिगरेट। हेयरस्टाइल बहुत अच्छा है आपका। मुझे भी आना था पर गणेश मुझे ले चलो।
जब भी मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगी। घबराओ मत, 1 तारीख को सारी तकलीफों का अंत होगा। कल शादी में आया था, उसने तारीफ की मेरी, अंजलि से बात की उसने, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या कर रहे थे तुम सब? हम उसे नहीं जानते भैया। हर वक्त बस यही जवाब, नहीं जानते नहीं पहचानते। ज्यादा जज्बाती मत हो, जाके अपने डैड से बात करो, वही तुम्हें बताएंगे क्या करना है। डैड से बात करनी है। किस बारे में? मास के बारे में। क्या बात करोगे? भूल गए सत्या ने क्या कहा था? उस मास को खत्म करने के बाद ही अपनी शक्ल दिखाना। अब फिर से वही गलती करोगे तो तुम्हें खत्म कर देंगे। तुम्हारे पिता के बारे में तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं, मेरी सलाह मानो। ऐसी मुश्किल घड़ी में तुम्हारे पिता को मशवरा देने वाला भी एक क्रिमिनल लॉयर है, दुर्गा प्रसाद, उन्हें बुलवाओ। आइए सर। हाय शत्रु। हेलो, आओ बैठो। हाँ, मेरे आदमियों ने सब कुछ बताया ना आपको? नहीं, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। कुछ दिनों से एक आदमी ने नाक में दम कर रखा है। उसका नाम है मास। हाँ वही। अगर मैं चाहूँ तो इस मामले में चीफ मिनिस्टर से भी बात कर सकता हूँ। उससे लोगों में तुम्हारा जो खौफ है वो खत्म हो जाएगा। सही कहा, किसी भी हालत में उसका पता लगाना है। पता लगाना है तो तुम्हारे सारे दुश्मनों की जानकारी चाहिए। एक और बात, मुझे हर एक के बारे में जानना है, वो भी बिल्कुल सच। कुछ दिन पहले मैंने रशियन माफिया से माल मंगवाया था, मगर मैंने उन्हें अब तक पैसे नहीं दिए। वो नहीं हो सकता। वो भी नहीं। अपने परिवार के बारे में बताओ। हमारे परिवार के बारे में तो आप सब कुछ जानते ही हैं। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। अंजलि पढ़ाई के लिए शहर से बाहर गई थी, तो फिर वापस कैसे आ गई? वो एक छोटा सा मसला था, जाने थे। ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या हुआ? मैंने कहा था ना, मुझसे कुछ छुपाना नहीं। अच्छा ठीक है, बैठो। हाँ बोलो। मेरी बहन को वहाँ किसी लड़के से प्यार हो गया था। जैसे ही मुझे खबर मिली, मैं उसे वापस लेकर आ रहा था, तब उस लड़के का दोस्त मेरे रास्ते में आया और मैंने उसे मार दिया। अंजलि को वापस आए कितने दिन हुए? 4 हफ्ते पहले। मतलब वही मास है? वो मास कैसे हो सकता है? वो लड़का तो मामूली सा मैकेनिक है। जो कोई तुम्हें थोड़ा सा भी जानता है तुमसे भिड़ने से पहले अच्छे से सोच लेगा, लेकिन मास की ऐसी कोई मजबूरी नहीं। वो भिड़ेगा तो मोहब्बत की खातिर, दोस्ती की खातिर। दोस्ती और प्यार में जो ताकत है उसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुमने जिस दिन उसके दोस्त का कत्ल किया, अगले ही दिन वो यहां गया। 1 हफ्ते में उसने तुम्हारी पूरी जानकारी हासिल की। उसके बाद उसने तुम पर हमला कर दिया। यकीन नहीं तो अंजलि से पूछ लो, कहीं उसका नाम मास तो नहीं। इनकार नहीं करेगी। जाओ जाके पूछो, मैं यहीं पर हूं। अंजलि, तू जिससे प्यार करती है उसका नाम क्या है? तुझे से बात कर रहा हूं। मास। हाँ, चौंक क्यों गए? वाकई गुस्सा हो या फिर उससे मुकाबला नहीं कर सकते? सुनो, ये इस कमरे से बाहर ना निकले। भाई ये सब मत सोचो तुम। रोना धोना, भाग जाना और भूखे रहना, ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। मेरे मास पर मुझे पूरा यकीन है। डरने की जरूरत तो आप लोगों को है, मैं बस बैठ के तमाशा देखूंगी। आप सही कह रहे थे, वो लड़का मास है। नाम के अलावा अंजलि ने मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया। मैं उसी के शहर में जाकर उस मास को मारूंगा। फिर से गलती कर रहे हो शत्रु, वो इसी शहर में है। तुम्हें दी हुई तारीखों पर हमला कर रहा है, मतलब वो कहीं और नहीं होगा, वो यहीं पर है इसी शहर में। अच्छा ये बताओ, आखिरी बार उसने कब बात की तुमसे? कल ही आया था। क्या कहा था उसने? कह रहा था जिस शादी में मैं गया था वो भी वहां मौजूद था, मेरी तारीफ की, अंजलि से भी बात की और भी काफी कुछ।
जे बात, बड़े से बड़ा अकलमंद भी कहीं ना कहीं सुराग छोड़ देता है, और मास ने भी वही किया। होशियारी के चक्कर में उसने बता दिया कि वो शादी में आया था। जल्दी से वो वीडियो कैसेट मंगाओ, उसमें तुम्हें वो दिखेगा। करो। यही है तुम्हारा मास। भाई ये कहां रहता है मुझे पता है। एक तरफ तुम और तुम्हारी पूरी गैंग, दूसरी तरफ वो अकेला। असली खेल तो अब शुरू होगा। ऑल द बेस्ट। रुक जाओ साहब, रोकिए। ऐसा जुल्म मत कीजिए, हमने कौन से गुनाह कर दिया है, जाने दीजिए। मुझे ये किसी भी हालत में चाहिए। आखिर इसने क्या किया? यही है मास। ये मास नहीं है, ये गणेश है। गणेश, इसका नाम मास नहीं है भाई, ये तो गणेश है और ये हमारे साथ ही रहता है। हाँ भाई, हम सच कह रहे हैं, ये हमारी बिल्डिंग में ही रहता है। आप लोग कुछ बताइए ना। हाँ बताइए, हमारे साथ ही रहता है। भैया तुम भी बोलो ना। नहीं नहीं, मैं क्या। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? बताइए मास है या नहीं? ये सच कह रही है भाई। मास चाहिए मुझे। क्यों सबको मार रहे हो? वो मास नहीं, गणेश भैया है। वो हमारे लिए एक भगवान है। तो फिर क्या, उसकी आरती उतार के पूजा करो। नहीं नहीं, क्या ले जा रहे हो? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो मुझे। गणेश कह के हम सबको धोखा दिया। हाँ वही कसूरवार है। धोखा दिया। हाँ बिल्कुल, हमने उसे अपने साथ रहने दिया, यही हमारी गलती है। भैया के बारे में ऐसा मत बोलिए, वो यहाँ रहेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। सत्य और शत्रु की वजह से उन्होंने भी हमारी तरफ बहुत कुछ खोया है। अंजलि, क्या कहा था तूने? मुझे देखकर तुझे तरस आता है, पर अब तुझे डर लगेगा। इनको बचाने मास यहां जरूर आएगा और तेरी आंखों के सामने उसे काटूंगा। क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई? भैया क्या छोड़ दूं इन दोनों को? मास डैडी को घर से उठा ले गया। बिच्छू, अब तो तुम्हारी हालत देखकर मुझे सच में तरस आ रहा है। क्या देख रहा, बड़े थकेले? मुझे खाएगा क्या?
एक पैर वाले मुर्गे को इतना घमंड, मेरे एक इशारे पर ये सब लोग मिलकर तेरा कचुमर बना डालेंगे। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि तेरे बेटे की मौत का तमाशा देखने के लिए तुझे जीना होगा। आज तुझे मेरे बारे में कोई अंदाजा नहीं है। खुद को बड़ा तुर्रम खान समझ रहा है? एक महीने से तुम दोनों बाप बेटों पर मौत बनकर मंडरा रहा हूं मैं। मेरा बेटा तुझे नहीं छोड़ेगा। अबे किस पे नाज कर रहा है बे? तू समझ रहा है कि तेरी हुकूमत है यहाँ? अबे धूल चटा दिया तेरे को, और मैंने जो जो वादा किया उसे निभाया। मैंने कहा था पहली को आऊंगा, आ गया मैं, यहीं बैठा हूँ। ए सत्या, बुला अपने बेटे को, बवंडर बवंडर उठा दूंगा। मारो मारो। तेरे बोलने पर ही वो उठेगा क्या? चलो वहां से, उठाओ उसे, उठाओ उसे, उठा। मास 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 मास
वार करता है मेरी गैर हाजिरी में लोगों को मार के औरतों को अगवा करने वाला तू खुद को डॉन समझता है? ए, सुना है तो सबको तीन चांस देता है, ये ले अब मैं तुझे देता हूं सिर्फ तीन चांस। अबे आना दूसरा चांस उठा आजा प्रेग्नेंट औरत के पेट पे लात मारते वक्त अपनी माँ की याद नहीं आई? अपनी जान तुझे इतनी प्यारी है तो दूसरों की जान से क्यों खेलता है? देख क्या रहे हो? रुको रे, इसके एक इशारे पर मैं अपनी जान देने को तैयार था, लेकिन मेरी बहन को छोड़ने के लिए भीख मांगने पर भी इसे दया नहीं आई। वफादारी का अंजाम तुम देख चुके हो, आगे तुम्हारी मर्जी। फिकर मत कर, दोनों को बराबर का मौका, लास्ट चांस, ये ले। मौत से जितने फासले पर तू है उतने ही फासले पर मैं भी हूँ, दम है तो सामना कर। आ? जो मेरा इकलौता भाई जैसा दोस्त था उस शादी को भी तूने मार डाला। उसे मत छोड़ना भैया। तू अब मरेगा नहीं बल्कि जिंदा लाश बन के जिएगा। अंजलि, किसी ने पहली बार सत्या को शिकस्त दी है। इंसान की पहचान उसके नाम से होती है, और अगर नाम खत्म तो पहचान खत्म।